शाम का समय था। मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर एकांत में बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली थी। तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की मेरे पास आकर बैठी। मैं लड़कियों से वैसे ही घबराता हूँ, लेकिन जब लड़की अनजान हो तो मेरी जान ही निकलने लगती है, क्योंकि मैं अभी कुमारा हूँ। इतनी करीब लड़की को कैसे सहन कर पाता। मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा, बैठ जाओ। मैंने उसकी ओर देखा और आंखों से प्रश्न किया और जवाब में वह बोली, पहचाना नहीं क्या? मैंने कहा, नहीं। उसने उदास होकर कहा, मैं रिया। मैं पहचान गया और यादों पर जमा कुछ कोहरा हटा और गौर से उसका चेहरा देखा तो उसकी 10 साल पुरानी तस्वीर जहन में उभर आई। मेरे मोहल्ले की लड़की थी और साथ में पढ़ी थी, साल भर पागल भी रही थी। तभी उसने धीमी आवाज़ में कहा, बहुत दर्द हुआ आज, जिसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया वो शख्स तो मुझे पहचानता भी नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने फिर से आंखों में प्रश्न लेकर उसकी ओर देखा। उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें इतना चाहा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? मैंने फिर कहा, नहीं। उसने कुछ पुरानी याद दिलाई और मुझसे कहा, याद करो 10वीं क्लास में तेरी कॉपी में आई लव यू लिखकर किसी ने पर्ची दबाई थी। मैंने कहा, हाँ, मगर वह तो किसी लड़के की करतूत थी। उसने कहा, पागल, वो कोई लड़के की मजाक नहीं, मैं ही थी। मैंने कहा, ओहो, मगर लिखावट तो तेरी नहीं थी। जब मैंने हल्ला मचाया था तो सारे टीचर इकट्ठे हो गए थे, लिखावट मिलाई गई मगर किसी की नहीं मिली। उसने कहा, कैसे मिलती? मैंने उल्टे हाथ से जो लिखी थी। इस बार वह जरा मुस्कुराई। ओहो, मैंने चौंकते हुए उसे देखा। उसने फिर कहा, हाँ, तू सचमुच भोला था, तेरे इसी भोलेपन तो मेरा दिल आ गया था। 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और तू कॉलेज जाने लगा था, तब मैंने साल भर पागलपन का नाटक किया था। मैंने कहा, झूठी, तू सचमुच पागल थी? उसने कहा, हाँ, पागल थी, तेरे प्यार में दीन दुनिया की खबर ही नहीं थी, अपना होश भी नहीं संभाल पा रही थी, पागल के बहाने से तेरे घर आकर छुप जाया करती थी, इसी बहाने तुझे छू लिया करती थी। मैंने कहा, चल झूठी, तुमने पागलपन में कई को काट लिया था, याद नहीं क्या? उसने कहा, हाँ, याद है सब कुछ। तो याद है चाहत के लम्हे ऐसे ही भूले जाते हैं क्या? याद कर मैंने सबको काटा, मगर तुझे क्यों नहीं काटा? तुम मुझे पकड़ कर घर वालों के हवाले कर दिया करते थे और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी पकड़ में आ जाया करती थी, इसी बहाने तुझे छूने का मौका मिल जाया करता था। यही तो हसरत रहती थी मेरी, तुझे छूने के लिए अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया था मैंने। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझे उससे आँख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहना जारी रखा, तुझसे मोहब्बत की सजा तो मैं अभी भी भोग रही हूँ। पागल समझकर घर वालों ने बूढ़े के पल्ले बांध दिया। मुझसे 30 साल बड़ा है वो, मगर जो भी है पति है मेरा, निभा रही हूँ। 3 बच्चे भी है मेरे, मगर तू आज भी मेरे दिल में है। इतना कहते ही उसकी ट्रेन आ गई और उसने कहा, अब मेरी ट्रेन आ गई है, दूर के मुसाफिर हूँ, अब जाना पड़ेगा, मगर आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली है मैंने। तुझे अपने दिल का हाल बताकर अब मर भी जाओ तो कोई गम नहीं। इतना कहकर वो चली गई। मैं वही पत्थर बना बैठा रहा। वो स्टेशन की भीड़ में कहे ओझल हो गई।
तो दोस्तों ये थी प्यार की एक अधूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।